अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे रैंक्स और स्क्रैप बॉक्स की पावर को, देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये चेक कर रहा है, इससे सिर्फ मिली हैं 22 डोमेन्स। अब उन्हीं को मैंने चेक किया है स्क्रैप बॉक्स में, और अब इसे हम करते हैं एक्सपोर्ट और इसे मिली हैं स्क्रैप बॉक्स को 437 डोमेन्स। मतलब आप इनकी पावर का अंदाज़ा लगा लें, इसे सिर्फ 22 डोमेन्स मिली हैं और इसे मिली हैं 450। अब इन दोनों को करते हैं कंपेयर। अच्छा ना, एक हिसाब से ये मुझे बड़ा ज़ालम तरीन लगा है टूल, या पता नहीं उन्होंने जानबूझ के किया लोगों को टॉर्चर करने के लिए। इसमें एक दो डोमेन्स थी जो ये देखें, ये 83DR वाली और ये 44DR वाली। अब ये एक्सपायर्ड नहीं है, जो कि बड़े दुख की बात है। मतलब पहले तो देख के तो मैंने कहा लॉटरी निकल आई है, लेकिन बाद में चेक किया तो वो पता चला कि इनके टूल का मसला है। अच्छा जी, अब हम इन्हें चेक करते हैं DNS और सॉरी DAPA चेक कर। अब जो इधर से एक्सपोर्ट हुई हैं इन्हें भी देख लेते हैं। हम देखते हैं पहले इन्हें, अच्छा ये कुछ डोमेन इसने हमें दी हैं जिनमें हाईएस्ट ये 19 है और बाकी आप देख सकते हैं। अब ये टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। असल में एक मसला जो है वो ये है कि जो रैंक्स है उसके कंफर्म्ड होती हैं, और जो ये होता है स्क्रैप बॉक्स, इसकी कुछ डोमेन्स जो हैं वो कंफर्म्ड नहीं होती, जो कि बहुत बड़ा मसला है। लेकिन फिर भी ये ना मेरे हिसाब से 1000 गुना बेहतर है इस दूसरे से। अब ये देखें 22DA वाली भी एक मिल गई है। अच्छा जी, ये स्क्रैप बॉक्स वालों का रिज़ल्ट भी आपके सामने है। इसमें से ये जो पहले नंबर पे कुछ डोमेन्स आ रही हैं ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन 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 बड़े कमाल की चीज़ है। इसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना कि ये कुछ भी छोड़ता नहीं है, मतलब A to Z सारा कुछ चूस के निकाल देता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसमें इंपोर्ट URL का तरीका जो है वो यहाँ से आप करेंगे पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, और फिर आप जाएंगे ग्रैब चेक और यहाँ से चेक अनरजिस्टर्ड डोमेन्स, और यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे तो ये आपको चेक करके बता देगा। अल्लाह हाफिज़।